सुजेहि सुमिरते सिद्धि होय। अगण नायक करिवर बदन, करहुँ अनुग्रह सोई। बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, अमू कहो ही बाचाल। अपंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सदयालु। द्रवहु सकल कली मल दहन, बंदहु गुरु पद कंज। कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज। जासु बचन रवि करनी कर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो नीति तो यह बा कि जैसे ही भाव उत्पन्न हो तब ही बोलो, ठीक ने। भगवान गणेश जी के वंदना बोले कब, जब चित्त में स्थिर हो जाए कि राम जी सब कुछ बाएं। तो अगर वो नहीं बा तो बोले की जरूरत। तो देखे कि माता कौशल्या जी और पिता दशरथ जी के साथ जो बाल चरित्र प्रभु किए, वह बाल चरित्र माता सरस्वती जी, वेद, शिव जी, शेष जी सब लोग गाए, सब लोग गाए बहन ने। तो यह अलौकिक चरित्र बा, अलौकिक और दिव्य। अलौकिक माने जौन देखे में नहीं आवता, आवता इस चारों चरित्र कोई रख के लीला करता। चारों माने कौन कौन, विद्या, विनय, सदगुण और मर्यादा, शील। अब भाव उत्पन्न आपसे शुरुआत हुई, आप राम जी बंदर, तब आप आगे बात बढ़ी। अमन तक पहुंचे में वही समय बा, ब्राह्मण कब आई जब ही है। और एक जहां उत्पन्न परिवार भयोल तहां वो देखी देखा। और जी तो दोहा नंबर 205 पर रुके थे और दोहा रहा कि व्यापक अकल अनी है, व्यापक अकल अनी है अज। अनिर्गुण नाम न रूप, अभगत हेतु नाना विधि। करत चरित्र अनु, माने वे परम ब्रह्म परमात्मा जो कि व्यापक है, आत्मा तो सबके अंदर है, अकल है, बुद्धि के बाहर है, इच्छा रहित है, अजन्मा है, निर्गुण है, माने गुणों के बाहर, सतो रजो तमो के बाहर। और जिनका न तो नाम है न तो रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते। किसके लिए, भक्तों के लिए। जो भक्त हैं उनको ऐसा ही चरित्र करना है ना।
कैसा चरित्र? मन लगाकर वेद पुराण सुनना चाहिए, माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए, आपस में भाई लोगों को एक साथ बैठ के भोजन करना चाहिए, हर बड़े भाई को अपने छोटे भाई को बिल्कुल अपने जो है कि जैसे पुतली आंख की रक्षा करती है ना, वैसे बड़ा भाई का रोल, बड़ा भाई दहिना हाथ होता है ना, यदि तलवार अगर कोई डंडा मारे तो ये हाथ इंतजार करेगा बुद्धि का, तुरंत खड़ा हो जाएगा। हाँ तो ये होता है, आज ऐसे बड़े भाई कहाँ रहे, मारू खा दी है तब बाद में दिखाओ दे दी है कि बड़ा मानी जा चला तो प्लास्टर बनवा दे ये ने? और सुबह जग करके माता पिता और गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनकी आज्ञा लेके नगर का काम करते, ये सब चरित्र है प्रभु के। तो अगर सेवक है तो यह सब चरित्र धारण करिए, ठीक ना? राम भाई बचपन में जब इन भौजी के गोल लगे धरा तो सबने लग दिन मजाक उड़ाओ तो छोड़ दे, लेकिन ये चरित्र करे बा, ये बात नहीं बा कि जौन जब बाड़ी वहां से बा कि जवन चरित्र अंदर न हो ओके कहे का अधिकार नहीं है, इन्हें तो कोई सिखाए थोड़ा रहा, लेकिन अपने से जौन भाव रहा लगली मजाक उड़ावे यानी तो छोड़ दे भाई बाबू के, लेकिन करे भैया भैया के चचा उचा के सबका जो है भौजी लोग करके, ठीक ना? ठीक माने जौन फैल बा चाहे कि इन्हें बड़े आश्चर्य के तुसे समझ गए कि इन्हें कोई ज्ञान देवा वाला नहीं है, ये अपन रवि गुरु के बाद में तो जीवात्मा। तो देखो भाई बार बार कहाला सरजू भाई का लगा के सुने के बारे में, कान मन बुद्धि और चित, ये बने तो याज्ञ बलक जी भरद्वाज जी से श्री शिव जी माता भवानी से लल्लन गुरु अपने मम्मा रवि शंकर से और रवि शंकर राम खिलावन भाई से है ना, और सरजू भाई से हिंगराज भैया से जय भाई से श्री राम भाई से और रामचंद्र भाई से इक्का बतिये बा। अब जब इक्का का भाव आ गल तो नमवा अलग अलग बा लेकिन बाया सबने का कहता है यह सब चरित कहा मैं गाई आगिली कथा सुनहू मन लाई। जब कान लगी है तब मन आई, कान न लगी है तो मन कहाँ से आई? तो कहते हैं कि यह सब चरित्र मैंने गाकर यानी बखान करके कहे। देखे कितना बखान नहीं था, ऐसा बखान था कि बैठा था तो ऐसा होना चाहिए ने, यही में ढोलक उलक बजीबा तो बैठी ठीक ने? तो कहते हैं कि अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो, माने सुनिए आप लोग। तो क्या मोने कहे गुरु अब चारों लगा के सुन ली जब नहीं तो ध्यान दे। वशिष्ठ जी तो रहन ज्ञानी मुनि, वशिष्ठ जी ज्ञानी मुनि रहन,
अभिश्वामित्र महामुनि ज्ञानी अब सही विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जी महामुनि रहे, क्या रहे? महामुनि। और वन में रहते थे, वन माने जंगल, क्योंकि जंगल ही शुभ आश्रम होता नहीं। मनई के बीच में जीवे दिमाग टंटनाई, और कहीं जहाँ खूब बगीचा बा वहाँ जीवे शांति है, तो वहाँ मन शांत रही ने। तो मनई के भीड़ में तनाव बा, और पेड़न के भीड़ में तो शुभ आश्रम जान करके वो जंगल में रहते थे, माने पवित्र स्थान। तो ध्यान दे, मुनि तक के भी अगर कोनो विषय आ गयल, कोनो विषय में अगर सोचे लगे, कोनो विषय का हवा चलल, तो मुनि तक के भी जो है मन में भी क्षोभ पैदा, विक्षोभ समझत है, जिसे पानी बा उनमें कि चक्कर मर गए, विक्षोभ आई, हाँ उत्पन्न जो तरंग, तरंग। तो नाथ है विषय समय अमद कछु नाही, अमुनि मन क्षोभ करे छन माही। मुनियों के मन में भी विक्षोभ क्षण मात्र में पैदा कर देता, यही से आप लोगों की यह ब्रेक लगाओ थे कि भवा सेवा हो, लेकिन वो विषय के मन में इंट्री पवित्र भाव से समझी भाई सन बात ही करेगी बाबा सा उड़ता चिंताओं में क्या करवे। तो देखो मुनि अब का स्थिति बा कि उस जंगल में जहाँ रहते थे, तो जह जप जग्य जोग मुनि करही, अति मारी चे सुबाहु ही डरही। देखत जग्य निसाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। जहाँ पर विश्वामित्र जी जाप जाग योग करते हैं जंगल में, और यह सब करते हुए मारीच और सुबाहु से बहुत डरते हैं। क्यों? मारीच और सुबाहु से बहुत डरते हैं, कहे बदे कि यज्ञ देखते ही ये सब राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे। उपद्रव माने उसे विध्वंस कर दे, तो उससे मुनि बहुत दुख पाते। ये सब जो क्रिया हो ना, ये खाली मनवा के स्थिर करे बदे, बाकी एक कौन उपयोग बा मन के स्थिर करे बदे। तो जब समर्पण भाव हो गल तो अपने आप स्थिर हो गया। देखो यह छोटा सा परिवार वो वही में समर्पण भाव से सेवा दे, स्थिर न रही और लालच रही तो स्थिर रही। इनके पिताजी का नाम रहा गाधी, विश्वामित्र जी के। तो गाधी तनय मने चिंता व्यापी, देखो विषय बा योग यज्ञ करे के, तो विषय बात चिंता, और विषय नहीं बात चिंता कहाँ बा। तो फिर क्या करे, विषय की जगह देवे ये न और कोनो विश्व के तो सर पे उठावे की बात नहीं, बस यह जो वो संसार जगत में जो आपके छोटा सा दूठे भाई मिल गए, छोटा सा ने परिवार बा। तो गाधी तनय मने चिंता व्यापी, हरि बिनु मरही न निशिचर पापी। तब मुनि बर मने किन्ह बिचारा, प्रभु अवतरे उहरन मही भारा।
तो गांधी जी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई। अगर विषय बा, देखा कोनो अगर विषय रहे तो उपद्रव न हुई, तो उपद्रव हुई तो चिंता आई, तो चिंता आ गई कि ये, और समझ गए कि ये सब पापी राक्षस भगवान के मारे बिना मरेंगे नहीं। तब श्रेष्ठ मुनि है, विश्वामित्र जी श्रेष्ठ मुनियों में है, मन में विचार किए कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार ले लिया है। आप लोग अगर वो मुनि के अवस्था में होता तो सही सही समझ में आवत, नहीं तो वह अपने से बतावे में थोड़ा अच्छा नहीं लगा। लेकिन ये सब काहे बदे होता, धरती के भारे उतारे बदे ने और ये सनिजा सुना हो जाई, ऐसे ही 10-20 जने उतने, और आप लोग कहीं भागा मौत उस समय रह के देखो कुल ज्ञान आके इसे में किसे घुसी अनुभव कर जा, ठीक ना? तो उसे आपके ताकत और मिली। कहे कि दम चिंता नहीं बा, यहाँ नहीं मेरा चिंता तो सब खुदा फौसा बान दया के पात्र बान, इनमें क्या करी है? ठीक, तो एक तरफ थोड़ा सा जब वह गुरु का भाव रही तब जो है कि अंदर से जोश उत्पन्न हुई, अगर न समझ में तो भाग जीवे, नहीं तो देखो खाली आनंद ले कि देखो अच्छा का का होता। ठीक, तो ऐसा विचार करते हैं कि जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही आए हैं तो एहू मिस देखो पद जाई अकरी बिनती आ नौ दो भाई, कते इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन कर लूं, क्योंकि ब्राह्मणों को जब दुख होता तो छत्री के पास ही आते और छत्री को बताया गया कि भाई आपका धर्म है कि ब्राह्मण गाय नारी और संत चारों की रक्षा करना आपका कर्म, और काल से भी डरने की जरूरत तो कहते हैं ज्ञान वैराग्य और सभी गुणों के जो धाम है उन प्रभु को मैं नेत्र भर के देखूं। कभी गल नहीं रहे जनक जी की, अरे दशरथ जी की, एकरे पहले दशरथ जी की कभी गैर ब्राह्मण लोग त्यागी तपस्वी हो लेन उन्हें के थोक जरूरत बा, ठीक ना? तो ध्यान दे, तो बहु विधि करत मनोरथ अजात लागी नहीं बार अकरिम जन सरयू जल, करिम जन सरऊ जल गए भूप दरबार। अब ऐसा विचार करके चल देते हैं जंगल से और बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए, बहुत प्रकार से मनोरथ कर रहे हैं, ठीक ना? और यहाँ के काबा की मनोरथ के कहीं जगह इसे समझो, खाली वो कहे के बात नहीं बा कि शिव जी के शरीर में रामे जी की इच्छा आगे का करो पैन, ये कहे के बात नहीं, वो चरित्र बा में हुआ चाहिए ने ये रे। तो बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए गए और जाने में देर नहीं लगी, खटाखट और सरजू जी के जल में स्नान करके वे राज दरबार में पहुंचते, दशरथ जी के दरबार, ठीक ना? दरबार में नहीं दरवाजे पर, दरवाजे पर सीधा दरबार में नहीं, नीति बाई। आज नाथ जब देखो का हुआ कि चाहिए यह बात
आपके जब पहली बार कहले कि संध्या बिरावत है तो चले की बा तो मुनिया गमन सुना जब राजा मिलन गयउ ले विप्र समाजा। तो राजा दशरथ जी जब मुनि का आगमन सुने तो वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने के लिए, ठीक ना, यह राजा जनक जी भी करे बयान। जब विश्वामित्र जी गए राम लक्ष्मण के लेके तो फिर उन्हों के मिले बदे सबके साथ ले गए, यही है असली संस्कार। उस दिन जो और इन मुनियों नहीं बयान बस नारायण पंडित जी तो कहें कि कैसा लीला बा आपके मर क्या क्या करवे भाई। अभी स्थिति बा रविशंकर का शरीर हो में कोनो दूरा नहीं बा, लेकिन बात बहुत अलग बा। तो जो अपन चाहो कल्याणा सुमति शुभ गति सब सुख नाना, तो पर नारी लीला गोसाई तजहु चौथ की। हम बसरा पंडित जी वहां फेल कहन तब तो आपकी नहीं, उन कहन कि ऋषि मुनि की तरह आप रह सकल है पेड़ के छाव में, लेकिन बताए कि अरे कैसे हो सकल शरीर बार अभी गुरु के बताबे आप तो ब्राह्मण देवता कहे कि अब वो जीव भी आत्मा रूप ले लेहे ये ना, तो बताओ भाई अब कैसे का हुई। तो कहे तब तो एक बदे तो फिर चारों असमय छोड़े की पड़ी। तो कहे कि तब बताओ उम्मे का करे की पड़ी, थोड़ा समझो बात की गहराई के। कहे कि अभी अनुभव बा कि जो जीव रहा उम्मे बा नहीं, तो कहनू तो रामो जी नहीं कर पाए बहन। क्या भाई बहुत काम पहली बार होला, ठीक न, वो तो नर चरित्र रहा। तो कहन कि फिर ब्रह्मा के प्रपल से हटे के पड़ी, तो ये जने वो अपना ही धारण कर सकते हैं, तुरंत निकाल के ले पंडित जी। और लक्ष्मी से मतलब नहीं, अग्नि जला नहीं सकते, कोई के द्वारे जा नहीं सकते, कोई से कुछ मांग नहीं सकते। चलो जितना जितना कहत गए कहन कि अब उहर जाए के वहां रही, लेकिन कहन कि अब उहर सोच भी तहार न जाए चाहिए, तो सीधा जो है कि विपरीत दिशा उत्तर में जाएगी पड़ी। कहन पंडित जी तथास्तु, आके कठिनाई से क्रॉस करके चल दहन कुशा होते हुए सीधे हिमालय जा। अरे कहे कि नीति बा जौन तो नीति के जब नीति में बांध तब ना आज ये आनंद आवता, नहीं तो देखो तन्नी से अगर उल्टा पुल्टा कर ले जौन ज्ञान पंथ सुने रहे तो वही ज्ञान पंथ से पहले निकले, ठीक ना, और ओकरे बाद सीधे शंकर जी के शरीर बाद तो शंकर जी के आप उपचा दे। तो बोला भोलेनाथ का करेगी बान, जा देखो वहाँ राम खिलावन बहन जा अपन पढ़ल हो ऐसे ही कभी प्रेरणा मिलवे करी। ऐसे बतिया तो कहे अरे महाराज ऐसे कैसे, एकदम चिंता मत करो। कहे के तात्पर्य कि जो भी शिव सेवक बा तो वो प्रेरणा से ही है, और प्रेरणा कब मिली जब तपस्या के अवस्था में रहे तब, और तपस्या कब हुई जब शरीरों का मोह न रह जाई। शरीर का मोह बात कहाँ से हुई, ठीक। तो देखो पहुंचता है और पहुंच करके अकरी दंडवत मुनि सन मानी अनिजयासन बैठारे नियानी। और दंडवत करके मुनि को राजा दशरथ जी सम्मान करते और उन्हें ला करके अपने राजगद्दी वाले आसन पर बैठाते। स्थिर रह, कहाँ बैठाते हैं, राजगद्दी वाले आसन पे, ठीक ना। देखो यह सब नीति बा कि चरण पखारी किन्हीं अति पूजा अमो समय आजू धन्य नहीं दूजा।
फिर विश्वामित्र जी का चरण धोते हैं और कहते हैं कि महाराज आज मेरे समान दूसरा धन कोई पुरुष नहीं है। तो विविध भांति भोजन करवावा अमुनिवर हृदय रसयति पावा। फिर बड़ा बढ़िया बढ़िया भोजन कराए जने के तो उनको हृदय में बड़ा खुशी हुआ। पहले जंगल में हुआ कंदमूल मिला तो हुई जय भाई और आज बड़ा बढ़िया बढ़िया खाए तो बड़ा प्रसन्न है। और पुनि चरणनी मेले सुते चारी राम देखी मुनि देह बिसारी। फिर चारों पुत्रन के लेके आए और उनके चरण में प्रणाम कराए। ठीक ने तो भगवान आसन तो न हुआ करत है अलग कुछ नहीं बा। और श्री राम जी को जब देखते हैं तो मुनि के शरीर का सुधी भूलिगा। ठीक ने हमरे श्री राम भैया के देख के कोई अपन सुधी नहीं भूलो। पहले तो ऐसा आशा रहा कि चलो अच्छा अगल बन देखें कि क्या क्या कुड़ी है बाकी नहीं अब वो खत्म हो ये न सरल भाषा में। तो भय मगन देखत मुख शोभा अजनु चकोर पूरन शशि लोभा। श्री रामचंद्र जी के श्री मुख की शोभा को देखकर विश्वामित्र जी ऐसे मग्न हो गए जैसे कि चकोर चंद्रमा को देखकर मुग्ध हो जाता। देखे भवा शोभा तब अच्छा लगी। हिंगराज भाई के कहे अच्छा लगल कल गुरु हम कहीं नहीं जाते लेकिन बड़ा बढ़िया लगल आपको कहे अच्छा लगल अंदर से भाव पवित्र रही तब बाहरे से देखे में अच्छा ये न। तो तब मन हरसी बचन कहराऊ मुनियस कृपा न किन्ही हूँ काऊ। तब राजा दशरथ जी मन में प्रसन्न होकर कहते हैं कि मुनि विश्वामित्र जी ऐसन कृपा कभी नहीं करे रहले मतलब एकरे पहले कभी आल नहीं है ने? तो कोई कोई क्या कहे जाला जब जरूरत हुई तब ने यह ने तो पूछा था कि केही कारण आगमन तुम्हारा कहूं सो करत न लावऊं बारा। कहते हैं कि महाराज आपका आगमन किस कारण से हुआ आज्ञा दे करने में देर नहीं लगेगी। क्या कहता है करने में देर नहीं लगेगी। तो भाई विश्वामित्र जी अब इधर उधर का बात तो घुमाएंगे रही साफ साफ कहते हैं कि असुर समूह है सतावही मोही अमै जाचन आय नृप तोही। कहते हैं दशरथ जी असुरों के समूह राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं यही याचना लेकर के मैं आपके पास आया। अनुज समेत देहु रघुनाथ निश्चर बध मैं हो बसनाथ। कहते हैं भाई लक्ष्मण के साथ में श्री राम जी को दे दीजिए और मैं राक्षसों का वध होने के बाद में सनाथ यानी सुरक्षित हो जाऊं। ठीक ने अब सीधे अब कोई प्राण मांग ले कहता है कि देखे देवा में तनको देर न लगी। ठीक ने और मांगत खबर आत्मे मांग लेता है।
तो देहु भूप मन हर सित अत जहु मोह अज्ञान धर्म सुजस प्रभु तुम को इन कहाँ अति कल्याण। कहते हे राजन प्रसन्न मन से इनको दे दें और मोह माने भ्रम और अज्ञान को छोड़ दीजिए और हे स्वामी राजा के लिए है, इससे तुमको धर्म और सुयश प्राप्ति होगी। अब जब दे देंगे तो इससे क्या प्राप्ति होगी? धर्म और सुयश, और इनका परम कल्याण होगा। अब वो तो जान रहे हैं कि प्रभु ही है, लेकिन अब दशरथ जी के ऊपर का बीता था, कहो तो बहन की कहो और करे में देरी नहीं बा, लेकिन अब जहाँ ऐसे ही सीधे बोल दे हैं चारे लाइन में, तो कोनो बात अगर सीधा सीधा कहता तो ज्यादा अच्छा बा। ने तो सुनी राजायति अप्रिय बानी हृदय कंप मुख दूति कुमिलानी। सुनी राजायति अप्रिय बानी हृदय कंप मुख दूति कुमुलानी। अभी प्रिय बाणी बात दशरथ जी के लिए, अगर कोई का आत्मा मांग ले तो कहते हैं इस अत्यंत अप्रिय बाणी को सुनकर राजा दशरथ जी का हृदय कांप गया और मुख की कांति जो तेज था वह फीकी पड़ गई। वह क्या हो गई? तो क्या कहता है कि चौथे पन पायऊं सुते चारी विप्र वचन नहीं कहे हूँ बिचारी। अमागहूं भूमि धेनु धन कोषा सर्वस देऊं आजु सहरोसा। अदेह प्राण ते प्रिय कछु नाही सौ मुनि देउनी मिख एक माही। असब सुत प्रिय मोही प्राण की नाई राम देत नहीं बनाई गोसाई। एक समझो जा, कहते हैं कि हे मुनि, हे मुनि जी, मैंने चौथे पन में चार पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही, आपने विचार कर बात नहीं की। देखा जब मोह रही तो ऐसे ही लगी। कहते हैं कि आप धरती गौ धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ आपको सर्वस्व दे दूंगा। शरीर और प्राण से अधिक कुछ भी नहीं होता। नहीं, प्राण से अधिक का हुई? कहते हैं मैं उसे एक पल में दे दूं, मैं उसे प्राण भी एक पल में दे दूं। सभी पुत्र तो मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी है प्रभु राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता है। ठीक ना, मतलब सब कुछ दे दे लेकिन राम के देवत नहीं बनता। अब ये कहने की मांगा तुरंत दे दी,
अब जब मांगन कथन की देत प्राण ले ले लेकिन राम जी के हाँ। और आज जो है कि सब काम जी के नौकर हो गए बा राम जी के कोई सुनते नहीं बा ये ने राम जी कहन की चले अच्छा रघु गुरु का सुन गया ठीक है ठाक बा बस यही में बैठ के कल्याण करो उनका सरल भाषा में हाँ और कुछ अलग से नहीं बा नहीं महाराज हाँ। औ कहनि सी चरयति घोर कठोरा अ कह सुंदर सुते परम किशोरा। कहते हैं महाराज कहाँ अत्यंत जो है डरावने राक्षस और कहाँ हमारे सुकुमार बच्चे। तो ये बात बताओ रामकृष्ण भाई ये बात सुन के विश्वामित्र जी के अच्छा लगी अच्छा लगी बतावे है अच्छा लगी सुनती मत खापन अपन बुद्धि लगावत नहीं। अब रामचंद्र भाई लगाए रहे अब महाराज विश्वामित्र के महामुनि ज्ञानी बा पता बा अब महाराज से की पता नहीं बा तो वो बतिया जो कहन है ते बतिया सुन के मुनि के अच्छा लगी कि नहीं सरजू भाई कहन नहीं हाँ महाराज तुरंत तो नहीं होना है कि अच्छा न लगे कार कर गए आप लोगों की क्या लगा था आपके रामचंद्र भाई नहीं दे दिए नहीं देत नहीं कहता देत नहीं बनाता तो ये बात सुन के मुनि के अच्छा लगी कि नहीं आयन मांगे बदे और कहता देत नहीं बनाता तो अच्छा लगी कि नहीं ध्यान दे देखे सरजू भाई तनको जो है कि नाराज मत हुए है जे वास्तव में अपने प्राण के समान यह न सिखा जाता माना था ठीक ने तो ये बड़ा परम तत्व ज्ञानी व्यवस्था बा कहे कि सुन नृप गिरा अप्रेम रस सानी हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी कल्याण प्रेम रस में सनी हुई क्योंकि प्रेम उनका बिल्कुल पवित्र इस रस में बाड़ी को सुन करके महामुनि विश्वामित्र जी हृदय में बहुत ही आनंद का अनुभव करते ध्यान दीजिए बात बहुत अलग है ना तो वही प्रेम तो देखते हैं कि वो प्रेम है कि नहीं है आज कितना बढ़िया से जब समझाओ ले राम खिलावन भाई ऐसी समझिए ने अगर अंदर प्रेम नहीं बात तो भरे से रूप ना दिखावे चाहिए ना तो राम खिलावन भाई तुरंत कहिए हाँ गुरु सही कहता है तो वह तो टटोला दे कि अंदर में प्रेम बाकी अगर अंदर नहीं बात यहाँ दिखाता कि अंदर में इतना प्रेम ऐसे जो है वो हर्षित हो ठीक न ठीक अब देखो ठीक कभी ना समझा अगर वो अंदर से प्रेम रही कहे कि ये तो पूर्ण काम का व्यवस्था बने यहाँ काम कामना बा देखिए कि जौन जीवन जियता है वो मनिया अंदर वाला प्रेम बा कि नहीं अगर नहीं बात कहिए कि तू लायक नहीं बे फिर जब समझिए कि नहीं ऐसा होना चाहिए आप समझ में हाँ होना चाहिए तो पहले अपने अंदर धारण करो दुखरन भाई अंदर में जैसे अगर भाव बा तो भाव से पहले प्रेम करो सीखो आप जब सीखबे तब अगला सीखी यह ने तो तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा अनृप संदेह नास कहां पावा। तब वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी को बहुत प्रकार से समझाए जिससे राजा दशरथ जी का भ्रम मिट गया। भ्रम मिट अब देखिए नाथ यही है ब्राह्मण का चरित्र यह है
ब्राह्मण ही भ्रम को दूर करते वाले होते हैं। धरती के पहले देवता, धरती के पहले देवता सप्तलोक में शिव जी, वैकुंठ में विष्णु जी और धरती पर ब्राह्मण जी, इन तीनों में कोई अंतर नहीं होना। इतनी बड़ी महत्व है। देखो दशरथ जी के भ्रम दूर करे दें तुरंत, कहें यही से कहा गावा कि बंदौं प्रथम महीसुर चरना मोह जनिते संशय सब हरना, कि सबसे पहले मैं ब्राह्मण के चरणों की वंदना करता हूं धरती पर, जो अज्ञान से उत्पन्न सभी भ्रम का नाश करने वाले होते। यह है ब्राह्मण की महिमा। अब आज कलयुग का प्रभाव बातों में दिखते हुए जब खुद फसा बहुत दूसरे के का निकाली पाए, पकड़ में आवता तो जब दूर होएगा, जब दूर होएगा भ्रम दूर होएगा तो अति आदर दो तनय बोलाए हृदय लाई बहु भांति सिखाए। तब बड़े ही सम्मान के साथ श्री राम जी और लक्ष्मण जी को दशरथ जी बुलाते हैं और हृदय से लगा करके बहुत प्रकार से समझाते हैं। ठीक ना, क्या कहते हैं कि मेरे प्राण समझा दिए, और फिर विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि मेरे प्राण नाथ सुत दो तुम मुनि पिता यान नहीं को। कहते हैं कि हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं और आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई। पिता का अर्थ हुआ संस्कार, पैदा करने से क्या कोई पिता बन जाएगा? पैदा तो एक कुकुरो कर देता पिलवा के, नहीं। अगर मन ही बैठे सच्चा संस्कार दे तब मैं पिता, और नहीं तो वह पापा। देखा दुखरन भाई, बात तो सरल बा, पैदा करे से कोई बाप नहीं हो सकता। ठीक ना, ठीक। कौशल्या जी के गाली नहीं, आप संस्कार जोन देवे तू पिता रूप में वह लड़का पाई, आप पिता के समान। तो सौंपे भू परिसी सुत अब बहु विधि दे आशीष, जननी भवन गए प्रभु अचले नाई पदशीष। कलिया यही सुहा रोक दे रहे कि कम से कम एक रात अयोध्या में रह तो ले, नहीं तो काल से जो काल रोका के प्रति भाव रहा ना, नहीं छत्री वर्ष में जब उत्पन्न हुआ तो कहा प्रभु का कार्य करे के बाद खाली तो कहा विश्राम बा, लेकिन जानबूझ के कहे कि अच्छा एक रात कम से कम, यही से काल आप लोग लगा हुई कि बड़ा जल्दी रोकत है काहे, यही बदे रोके रहे। देखे जो भाव आवत है ना वो पक्का पक्का, ठीक ना। अब कुल देखे ओकरे बाद उन्हें कहाँ बा मिलल जगह, अब जगह न मिली, वहां से ब्याह करके यहाँ फिर चल रही है। तो छत्री लोग खाली जो है सेवे बदे बोले, तो छत्री के अंदर उस सुख भोग की इच्छा न हुए कि सेवा, ठीक ना। तो इसे भी अगर लौकिक संसार बा तो लौकिक संसार में ठीक बात, कुशांग पंडित जी जो है और साकी सोरैया कोमर घोटा के जो बाबू साहब है भाई एक से दो, अब उसके बाद बात बड़ी नहीं थोड़ा कहे कि अभी चूंकि भेद नहीं कही बा तो जो गुण रहस्य बात सब बता देते हैं, लेकिन साधारण भाषा में तो ठीक बाबू आपको सहम से तो घर बात कोई जो पूछ ले नहीं, सहनसापुर को भाई साहब इधर जाना होता है और सब
यही चक्कर में पड़ा हुआ कि गुरु इतना खुल करण बाद में ऐसे कैसे। तो भाई अब दुखरन भाई शंकर जी जैसा बना देन उसन बन गए सब नहीं के हाथे में तो खिला बने नहीं भाई अब इसमें तो यही के जरूरत बने। तो राजा दशरथ जी बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर राम लक्ष्मण दोनों को माने अपने पुत्रों को विश्वामित्र जी के हवाले कर दिए। उसके बाद प्रभु जाते हैं महल के अंदर और माता जी के चरणों में सर नवाकर चल देते हैं विश्वामित्र जी के। अब महल का सुख खत्म देख ला एक रात रुक है इनका ली। तो पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले मुनि भय हरन अकृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह के समान दोनों भाई श्री राम जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। यह कालम है ओन तो ज्ञान भय हरण कर दे प्रसन्न होके और यह घर में सजने बोझ लेके ढोता है तो मामला ठीक नहीं बने। तो कम से कम प्रसन्न मन से घरवा में तो सेवा हो समझा खिलौन बा पक्का पक्का बात बान है। तो देखो भाई अब तो यहाँ अब मन के अंदर दुख कभी ना आवे चाहिए ये ने राम जी भाई नहीं बहन नहीं उन पर जल्दी जल्दी बोला लेना हमारा ठीक ने। तो प्रसन्न मन से करो कुछ भी करो प्रसन्न मन से करो अगर मन में बोझ बात करे की जरूरत नहीं ठीक ने राम भाई। हाँ एकदम खुश हो गए यार। बाकी जो जौन अपन चले आधार पे चले चले उसे मतलब कहते हैं वे कृपा के समुद्र है। क्या है तो अब यह गंगा जी में जीवे तो कहाँ मिली पानी मिली ने तो वो केतुआ के समुद्र है कृपा के। तो देखो एक बूंद अगर कृपा का भाव अगर अंदर रहे तो क्या बोले धीरे धारण करे को हुई तो धीरे धारण करे के मतलब क्रोध का त्याग की पड़ी। देखो सब सरल सरल तो बा देखा गर्भ गुस्सा का चार डाल के है दाली में मिला के खाऊ नहीं सकू इंगराज भाई बजावे जब गुरु ऐसी रामायण पढ़ा जाला तो क्या तब कैसे पढ़ा जाला भवा सफा सफा बात बा। तो कृपा कृपा का अर्थ का बा कि जोने में लालच ना तब बने कृपा। अगर पैसा पर कहीं जाता है तब तो फिर लालच का नौकर। तो कृपा के समुद्र धीर बुद्धि तो देखो क्रोध छोड़े के पड़ी धीरज धारण करे के पड़ी और बुद्धि स्थिर रखे के ये ने और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण है वो कारण के भी कारण भी वो नहीं कह कर्मो नहीं कह करे वाला भी वो नहीं सब झूठे के अहंकार रखे बाकी हाँ भाई अलग से। अब संपूर्ण कर्म का कारणों नहीं बहन भाई कैसे कैसे सरजू भाई बतावे राम जी कैसे बहन सब कारण नहीं उन सब कुल कर्म जो करता है वहू के कारण वो नहीं बहन वहू के कारण वो नहीं बहन कुल कारण है उन बहन सब उन्हीं के लेके होता
ना ही उसके समझा कहे कि वही धीरे धीरे का जोन शरीर से कर्म होता काहे बदे होता भाई भी आ करे भाई चाचे बाल परिवार बा ते सुना ते ओकरे अंदर तो रामे जी बहन आत्मे बा अगर वो न रह तो ओकरे बदे कर्म हो तो वो कहा बहुत आत्मा के बाद तबे न कारण बना अगर आत्मा न रह तो कारण बनी चूंकि आत्मा ही बहन विश्व के यही सब हर कारण का ही कारण बहन ये ने से पूरे विश्व के आत्मा है सभी जीवों के यहाँ तक कि शिव जी जिनकी लीला स्थली है उनके भी आत्मा है इसीलिए उनके मन के सरोवर में श्री राम जी हमेशा निवास करते ये ना कहा था कि भगवान मनवा में भगवान के रखा शरीर से जो होता होता से मैं बतावा कहा कहीं भ्रम बा अब वह जब रूप रस गंध स्पर्श और वाणी का हथियार जब पड़ा ला तो फिर वो मनवा से तितिर बितिर सब कर ले ला तो वहां पर दिखा रहे हैं देखो अब चल दे ना उनका एक रात रुक गया उतना बहुत बा और आज देखो सरजू भाई थोड़ा सा ठक ठक सरजू भाई सब बुढ़वा हो जाता है और घर छोड़े के नाम जैसे मैं ते दुखनन भाई कहिए कि गुरु कैसे गोद है ऐसे ही आनंद ले जाने रस ले कुछ नहीं जहां भी रहो वहां से अगर एक निर्णय का मतलब कि भैया देखो शरीर तो यहाँ बा अब कुल मन प्रभु के दे देवे की बा अब जितना खेलत बनल खेल ले आशीर्वाद बा सबके साथ है ये ने अब कोनो बिटिया का ब्याह करके तो बाकी नहीं बा ध्यान दे बिटवा कभी नहीं बा है ना अब तो नाती के भी लड़का होगा बा कुछ नहीं अब चित्त में प्रभु के चरण के अलावा कुछ नहीं रखे के बा बच्ची कहां से न्योता आवता या कोई आके गोड़ छुए या तो कोई जो है कि अपन टिटिम्मा का बातचीत करो खेते में दोनों की बरसीम बुआए के बा पलेवा करे के बा दमावे के बा संसार का एक भी बात अगर एक कान के अंदर नौ डाले तब आराम समय प्रभु में लीन हुए दे बताओ है इतना कर सकल है तो करो अगर नहीं कर सकल है तो जय श्री राम और तुरंत निकल ले बात तो भाई देखो वहां से कर सका तो करो लेकिन बाद में कहीं पूछे ही मत आवे ठीक ना जिम्मेदारी अब जिम्मेदारी से मुक्त करो अगर बिटवा बाए तो करो नहीं कर सकता है तो बच्ची आशीर्वाद अब यहाँ हमारे जो ताकत लगाओ कि पड़ेला नहीं पतो लिया के रख दे संजय में खाना मत कुछ छुओ तो भावे या नहीं तो पाओ के बाद कोनो बात नहीं जौन होता बस इतना हो कि ये बात के भूले मत इतना करे के बाद कि एको क्षण बदे अब चित्त में न आवे कि संसार में कोनो पद बा नहीं तो मद आकर के खींच ले जाइए ठीक ना पूर्णावती होता तो बात समझ में आवता ना तो देखो चलो तैन तो कृपा के समुंदर है तो संत के भी कृपा के समुंदर हुआ की चाहिए जब उनमें मिलल बाए तो भार तक कुछ न पड़े चाहिए कि बस्ती उड़वा दे बाए अगर बस्ती उड़वा देता तो राक्षस बाए वो मरीच की तरह की है कि बाबा जी बाए जय भाई देख ले समझो तो अरुण नयन उरे बाहु विशाला
नील जल जतनु श्याम तमाला। देखो यह बात फूला बार बार देखा ना मैं, कितनों भीड़ रहे कुछो रहे कोई रहे, लेकिन पाखंडियों से कोनो मतलब, हमेशा नेत्र लाल पीबे ने। हाँ देखो भगवान के सेवक है तो जौन चीज सही बात सही के ही सही कहो, गलत के कभी जाके चमचागिरी करे की जरूरत। कहते हैं कि भगवान के नेत्र लाल हैं, चौड़ी छाती है और भुजाएं विशाल हैं, लंबी लंबी, नील कमल और तमाल के वृक्ष के समान शरीर श्याम रंग का। तमाल जाना ले आप लोग की नहीं, वो बादल के रंग का उकर जो हम शरीर होला, पेड़ होला तमाल का जाना नीला उकर जो शरीरिया होला ना, जैसे ये सब दिखाता तो कुछ करिया टाइप का दिखाता ना, वो नीला माने कि सागौन ओगौन देखे हुए। हाँ तो वो सागौन है शीशम, शीशम का कुछ हरा नीला लेके नहीं रहा मेरा, अच्छा वो तो सफेद वाला हुआ। माने कि यह जो बादल का रंग होला ना, वही रंग का वो पेड़ तमाल का होला। तो वैसे जो है कि प्रभु का थोड़ा सा यहाँ दे दिए हैं, और कमर में पीताम्बर पहने हुए हैं और सुंदर तरकश धारण किए हैं, बांधे हैं कमर में, जोने में तीर हुई। इन्हों क्या कुल बा, हाँ लेकिन वो ये आखी से दिखाई नहीं। ओके बदे ना आप सुनवे अलग से तो सब बताओ जाए। तो दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण, एक हाथ में धनुष एक हाथ में बाण, और जो है कमर में तरकश लगा हुआ है, पीताम्बर पहने हुए, आंख लाल है, शरीर श्याम वर्ण का है और पीताम्बर धारण किए। तो श्याम गौरे सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाई। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं, और विश्वामित्र जी को महान निधि माने खजाना, ठीक ने। अब देखिए प्रभु रामे जी मिल गए तो के तो बड़का खजाना मिल गया। तो प्रभु ब्रह्मान्य देव मैं जाना, अमोहिनी ति पिता तजेउ भगवान। वे सोचने लगे विश्वामित्र जी, क्या कि प्रभु ब्राह्मण देव यानी ब्राह्मणों के भक्त है। जब परम पिता परमात्मा भी आलें तो भक्ति की क्या करिए, ब्राह्मण के। और आज सब जन पंडित से गोल छुआ बोले ठीक ना। और कहते हैं कि ऐसे है, यही विचार कर रहे हैं कि मेरे लिए अपने पिता को भी छोड़ दिए तो भक्ति होनी चाहिए वैसी, ठीक ना। तो देखिए आचरण अब कितना अच्छा जा रहा है, कभी किसी लड़के से नहीं कहे कि तुम हमारे पास रहो, हमेशा यही सिखाते हैं ना कि यार माता पिता की सेवा से बढ़ के कौन सेवा नहीं है बच्ची, पुत्र उनकर है सेवा, कहा इच्छा बा लालच के कहा जगह। ब्राह्मण के शरीर पाए बा तो लालच के अंश भी न हो के, ठीक ना।
क्या करबे अब कुल चरित्र वे करेगे बात आनंद बाय में तो चले जा देखो अब चलल बात अब काम करो ये ने तो चले जाते मुनि दिन ही देखाई असुनी ताड़ का क्रोध करी धाई। रास्ते में जाते हुए विश्वामित्र जी दिखा दिए कि देखो राम जी वह हो तड़का बड़ा परेशान करोला याने और वह शब्द सुनते ही क्रोध करके दौड़ी शब्द सुनते ही दौड़ी तो एक ही बाण अप्राण हरि लीना अदीन जानी ते ही निज पद दीना दीन जानी ते ही। श्री राम जी एक ही बाण से उसके प्राण पखेरु को अपने चरण कमलों में जगह दे दिए मतलब शरीर से निकाल लिए। क्या समझ के दीन ते सब दीन है भटके हुए लोग हैं यानी हाँ। तो प्राण लेवा का अर्थ ही नहीं बा कि शरीरिया मार दे यहाँ तो फिलहाल अलग बा लेकिन प्राण का अर्थ यह बा कि उनकर मन चित्त जौन बा प्रभु के चरण में तो प्राण बा तब बा तो चित्त में लगी कि प्राण ले लेबा तब लगी तो समाज में अगर बा है ठीक ना। अब जो नहीं सुधरे वाला बा ओकर प्राण ले सकले लेकिन ब्राह्मण कुल में बात नहीं वो काम क्षत्रिय के बाबा दिख दंड जो है ये ब्राह्मण धर्म में नहीं। अब जी माने ठीक ने तो अपना स्वरूप दे दिए तड़का को जो है तब ऋषि निज नाथ ही जिए चीनी अविद्या निधि कहूं विद्या दीनी। तब विश्वामित्र जी के समझ में आया कि जकरे बदे हम यज्ञ करीला वो ये है न कोई दूसर तो जवन उन विद्या पा रहे हैं कुल जन हो प्रभु के जे विद्या के खजाने बा उन्हें विद्या सब अपन दे दे। ये बा दरअसल भ्रम वहां से आवला ने कि जवन लोग आपन है बुद्धिया ताकत एके आपन समझ ले लें अरे ये कुल ताकत तो नहीं कहो तू अलग से कुछ है एके सेवा का मौका दिया बा पवित्र करो तो करो अगर नहीं करो तो कोनो उका कलन उठल्लू के चूल्हा ऐसा एक कल्याण हुआ। यह भ्रम सबके होला कि हम है और हमार ताकत हो हमार बुद्धि हो अरे कुल ज्ञान हो नहीं के बारे में ठीक ना। तब जब जान गए कि वह नाथ हैं जिक्रे बदे यज्ञ करीला तो विद्या निधि कहूं विद्या दीन ही अजाते लागन छुधा पिपाशा अतुलित बल तनु तेज प्रकाश। उस विद्या से न तो भूख लगेगी न तो प्यास उस विद्या से न तो शरीर को भूख लगेगी और न तो प्यास और अतुलित बल प्राप्त होगा ये सब है विद्या है। और शरीर पे तेज रहेगा जो विश्वामित्र जी के पास रहा विद्या सब राम जी के दे देन जब समझ गए कि वह नाथ बहन तब वो हम नहीं जाता जाने हम एक बड़ा विचित्र व्यवस्था है ओकरे बदे जब सब त्याग करबे तब जाके हम निकले। तो आयुध सर्व समर्पी कै अप्रभु निजे आश्रम आनी कंद मूल फल भोजन दिन भगति हित जानी।
तो सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके जो जुटाए थे विश्वामित्र जी, सब समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें अपना परम हेतु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराते जने। तो आज के जो चिरकुटवा बाए जने अब चंद्र भाई, तो उन्होंने एक ही पकड़ो ले, अब कहिए बच्चा हम तो अन्न ग्रहण नहीं करते, फल ही लेते हैं। अब बच्चा जा 80 रुपया किलो का सेव कहाँ से लिया हुए, यहाँ तो दूठे रोटी के साथ दाल मिलब भी मुश्किल बा, 150 रुपया किलो का है यह न। अब सस्ता हो गया ठीक, फिर भी देखो एक दाल रोटी या तरकारी रोटी के व्यवस्था कितना मुश्किल बा, लेकिन फल तो महंगा हुई ने। तो कहते भगवान तो फल ही खाते थे बच्चा, इसलिए हम जो है। अरे महाराज वो चक्कर में मत पड़े, फल क्या खाते हैं, अरे पानी पिया, घास खा, पत्ता खा, है ना। इच्छा अगर लिया होता फल की इच्छा कितना तगड़ा बा, कहाँ मिली भाई। तो वो समझ जाए वो सब ड्रामा हो, वो सिद्ध पुरुष, सिद्ध का मतलब देखे कौनो इच्छा, ठीक ने। भगवान के जान के लिए तो बटले बन, उनके बिना अस्तित्व नहीं बात, यहाँ तक कि दर्शन तक का इच्छा न हो। अगर पूछा तो पक्का वाला नहीं, तो अगर कोनो इच्छा अगर रखो चाहता है तो खाली दर्शन के, वो नीचे सेकेंड नंबर पर बा, नहीं एकदम निष्काम कि प्रभु जब सर्वत्र आते हैं तो फिर कहाँ से, ठीक न। यह काम माता जो है सबरी जी करी, दर्शन भैल और तुरंत का करनी, योग अग्नि प्रकट करके पद लीन भई जह नहीं फिरे, चरण में विलीन हो गई, वहां से वापसी नहीं होती। तो लीन होगा के बाद है तो क्या करे, लालच करवे, देखबे तब्बे मनबे। अरे सब सब ज्ञान से पता होगा कि सब प्रभु का लीला बा, या तो फिर मनु सुखपा जी के तपस्या करो है, बारी बतासा पानी और हवा पी के रहो न। और ऐसे कहबा आप लोग मुक्ति एकदम सरल बा मुर्दवा, ऐसे कहबा कि कोनो बारी बतासा के जरूरत, आराम से आलू गोभी की तरकारी बनाओ, वो टमाटर डाल के धनिया के चटनी भी खा, सब करो, और बस इतना करके कि खाली प्रभु का सेवा बा, हम अलग से कुछ, कितना सरल बा। और तब वो कुल कहिए कि 10 साल 10 से जन्म हो जाए तब हुई, कुल कहिए 12 साल जन्म जीवे इलाहाबाद तब हुई, ये कुल ड्रामा बा, ऐसे को न हुई। अगर अगर प्रभु के प्रति पक्का भाव नहीं बा तो कुछ साधन का मतलब सुनना कितनों लिख ले, लेकिन ओकर कोनो अर्थ जब तक एक लगे ही न। और पहला एक का बा प्रभु के चरण में परम पवित्र प्रेम, सजू भाई ये ने तब कुछ नहीं, निर्णय ले ले कि संसार में का होता, लेकिन अब ओकरे प्रपंच में जो ना मन के नहीं ले जाए की बा, ये ने। तो अपना परम हेतु जानकर विश्वामित्र जी, अपना परम हेतु जानकर कंद मूल फल का भोजन कराते। देखो वह बात हाल ने कि स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, असुर नर मुनि सब करे यह रीति। तो रहो मुनि है मैंने, तो देवता ऋषि मुनि और मनुष्य कुल लालच में जो ना प्रेम कर रहे मर्दवा, लेकिन सेवक सेवक का बात नहीं बा, सुर नर मुनि का बात बात, कोई कह के हम मुनियत का अच्छा एक मतलब तू लालची है ये ना पक्का पक्का। और न चौपाइया होता तो इतना तो पता हो जाए कि देवता मनुष्य और ऋषि मुनि कुल लालची हो लेन भाई, सेवक हुआ तो बात करो, सेवक सेवक और स्वामी, सेवक और स्वामी दुए थे ब्रह्मांड में पवित्र सेवा दे लेन भवा तिसरका कोई,
चाहे ऋषि मुनि रहे, चाहे देवता रहे, चाहे जो है कि आपका राक्षस रहे, मनुष्य रहे, कोई नहीं बा जे कि बिना लालच के ममता दिखावे। यही ते निज किछी स्वार्थ होई अता पर ममता करे सब कोई। तो ये बात से तनको मत करो और ये लालच करो, लालच नहीं हो, ये में कौन सांसारिक लालच बा। ऐसे यहाँ एकदम पवित्र भाव हुए के चाहिए। बताओ राम जी भाई, आप कहीं मिलावट के जगत नहीं बा, माया खींचत बात नहीं जावा, खींचो भाई ने बस लाल है, पकड़े रहो बा, पकड़े रहो, देखिए यहाँ से पकड़े है राम के लाल भाई, तू पकड़े रहो, उन पकड़ा तो पकड़ा नहीं छोड़ के बह गए तो बह, और आप जो है श्री राम भा राम जी भाई के पकड़े रहो, और चिंता मत करो एन डी ए वाला ठीक। तो देखा अब हो गल सुबह, अब खा पी के राती बेर देखा, जब एकदम सरल भाव रहा तो बतिया जरूर बैठी, तो चार ठेक का बचावे के भाई बतावे संसार में जीते हुए। सरल सरल बात बा, विद्या मिलते है बा, मिला तो महाराज बिना सदगुण और मर्यादा, वो कब बची, जब लालच का त्याग कर देवे, तो लालच कैसे त्याग हुई, जब अहम निकल जाई, यह ने देखे भवा इस ही से बा, क्या कर रही रस्तवा, कोई बताई के बताई, सबके अहम इतना तगड़ा बा, देखो दबा है 13-31-99 ड्रामा, वो सबसे क्या मतलब बा मर्द वहां से, सफा सफा बात नहीं समझ में आता, सत्य का केंद्र बना वो सरजू भाई के बड़ा आनंद आ नहीं आप लोग ना एकदम चिंता मत करे, कहे कि यहाँ कोई व्यवस्था ठीक ना, पक्का पक्का ना, तो कौनो जनों की पूजा यज्ञ जप तप जितना ही दिखावटी व्यवस्था बा, भंडारा उंडारा किथो का मतलब नहीं बा, हाँ जब अंदर से नहीं पवित्र बात ये सब करेगी का बा, जब हम नहीं भाई तो नाम के कर करेंगे बा, जब हम ही नहीं भाई तो नाम के कर करे, और के कर नाम रुके वाला बा, ठीक ना राम जी भाई। तो प्रातः कहा मुनि सन रघुराई अनिर्भय यज्ञ करहुं तुम जाई। सुबह श्री राम जी कहते हैं कि विश्वामित्र जी अब आप जाकर के निडर होकर के यज्ञ कीजिए। अहोम करन लागे मुनि झारी आप रहे मख की रखवारी। अब यह सुनकर के विश्वामित्र जी हवन करने लगे और श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर, ठीक ना। तो सुनी मारी चेनी साचर क्रोही अलय सहाय धावा मुनि द्रोही। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच, मारीच बड़ा क्रोधी था, रावण के मम्मा रहा ने, वो अपने सहायकों को लेके दौड़ा, जाने सहायकों को लेके दौड़ा। तो बीनु भाई डंडवा उठावे, बीनु फर बिनु फर बान राम ते ही मारा असत जो जन गा सागर पारा। वो नुकीला वाला नहीं जोने में मुड ऐसा रहा हो, बिना फर वाला, फर वाला तो ही होला, बिना फर वाला बाण प्रभु का लगा और वो 100 योजन यानी 400 कोस जाके गिरा, 400 कोस, ठीक ना। तो प्रश्न आई कि बिना फर वाला काहे मारे,
जैसे कि आगे वो काम आई, इनके लीला में आगे वो जने, यही से देखो अहिंसा वाला भाव बा, कोई के मरिए नो, लेकिन देखो बाणी से जो नो, अब जैसे वो सब मिला बहन हर वर, अब देख आप तो चला गई ना, देखा काका कहे ठीक, जोन जोन कहायल ना वो जो नाल हा रावण के दरे ये ने, तो पावक सर सुबाहु पुनि मारा अनुज निशाचर कटकु संघारा। उसके बाद सुबाहु को अग्नि बाण से मारे, मार दिए, और इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी राक्षसों की सेना का संहार कर डाले। अब उस आश्रम में एक भी राक्षस नहीं रहे। तो मारी असुर द्विजय निर्भयकारी स्तुति करही देव मुनि झारी। तब जो है जब राक्षसों को मार करके विश्वामित्र मुनि को निर्भय बना दिए, अब काहे डरबे, तब देवता और मुनि लोग प्रभु श्री राम जी का स्तुति, ये ने आजकल भुक्तवन का खून पियोता है भाई, जिंदा मत करे काल मर रहा था लगावा बुद्धि कहाँ लगी, ये बड़ा आनंद बाजा ने सही बात बा, भक्तन के बस में रहे में जितना आनंद बा हुआ उतना आनंद हुआ नहीं बा, कहा परम धामों में आनंद, ये ने तब जब राक्षस मरे तो के स्तुति करा था, देवता और मुनि, ठीक ने सरजू भाई, हाँ तो ब्राह्मण के सेवा से देवता और मुनि प्रसन्न हो ले, तब वो सहयोगी बनी है, तब भक्ति लाइन में सहयोग करी है, क्या को तो खुदा झमकोता है मनई के तो शरीर पावे बदी, और ये मनैया का शरीर बा जोने से निकलेगी बा साधन धाम मोक्ष कर ने, अपाई न जेई पर लोक सवारा, जेके पा करके भी अपन लोक नहीं सुधार लेता तू तो मंदे मती बने, और यहाँ कुल देखा यही में नौटंकी शुरू करे बा, भक्तन का खून पियतन कहिए बाबा जी भाई जय भवा कैसे बाबा जी कहबे, ठीक एकदम सरल बाजा ने, इनमें कोनो जो है हाँ वो आप लोग जो जिसे कोई आवे तो रहे बने जो खोदन खाली आपके ताकत मिली, इन्हें कोनो नहीं, इन्हें बने तो कोई के तो नो अपना वो से काले आओ भाभी ठहर बताओ, एक को भी रखती है तो नहीं बा कुल बताए, एक को सत्य पुरुष ना ही बैंड धरती पर, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण बनो नौ ठेकुड़ी है पकड़ो ध्यान दे। तो तह पुनि कछुक दिवस रघुराया रहे किन्हि भी प्रण पर दाया। फिर कुछ समय तक वहां पर विश्वामित्र मुनि के आश्रम में रहे और ब्राह्मणों को बहुत सी मतलब ब्राह्मणों पर दया किए, ब्राह्मण लोग देखो अब भाई ब्राह्मण के पता बस सब प्रभु के लीला हो अलग से कुछ बाई नहीं, और ये धरती पर खाली जो है कि जितना समाज बा ओके जो है सुव्यवस्थित करना अपन कर्तव्य, तो सुव्यवस्थित कब हुई जब नीति रही तब ने, तो यही से ब्राह्मण लोग नीति तैयार करे तो सब जन लचियन जो है कपटियन चलिए तो देखे तो ब्राह्मण के खिल्ली उड़ा करके सब ब्राह्मण तो ही होगा बा ने। तो भगति हेतु बहु कथा पुराना कहे भी प्रजदपि प्रभु जाना। जैसे आ जाके वो कहत रहे तो वो तो नास्तिक लोग बैर नास्तिक, तो भक्ति के कारण ब्राह्मण लोग प्रभु को जो है कि ढेर सारी वेद और पुराणों की कथा
सुना रहे हैं, प्रभु सब सुन भी रहे यद्यपि सब जानते का सुन रही है आपके जो खराब लगा थोड़ा सा ना यही से कि आगे जो ड्रामा करो था ऐसे मतलब ये कहता है कि भक्ति के कारण सब सुना होता है तो यह सम्मान हो। यह देखो कहीं क्रोध का चिन्ह दिखाया बल्कि बैठ गया समझ में नीचवा उतर के कह देखे बहुत ही बारी भाई है ये सब बैन जो है सब दोनों औघड़ी पंथ वाले बैन ना वो कैटेगरी करे है मास मदिरा वाले। तब मुनि सादर कहा बुझाई अचरित एक प्रभु देखिए जाई हो गल विश्वामित्र जी के काम बता हुआ था ना जब क्षत्रिय पुरुष अगर खड़ा हो जाए तो कम हुआ एकदम जैसे सूर्योदय होला तो कोहरा नहीं छट जा तो इस संसार में जितना देखा था पाखंड वो ऐसे छट जाई बस एक क्षत्रिय वीर पक्का ठीक ना और चिंता मत का वो पैदा कर दी है ना क्या है कि एकदम सरल बात बा और निषाद राज भाई का तो सहयोग मिली जाए अगर निया सोपा जाए को हुई तो न मिल जाए इतना सहयोग नहीं अच्छा ही व्यवस्था बा क्या कहे चले अच्छा आप सब लोग तो अब एक क्या बहन है ये व्यवस्था बा कि बिना नैया के भी ओपार जा सकन है पौड़ों को न जाए के पड़ी लेकिन वो सबका प्रयोग न करी है भाई कहे कि वो हो जाए जौन वो जौन चमत्कार नौटंकी वाला बन है मदारी वाला थोड़ो करे के बा मदारी वाला चमत्कार नहीं अरे बुद्धि पवित्र होता ऐसे बढ़ के का चमत्कार हो सकला तो सत्य व्रत धारण करे बदे न समझ ले है दो दिन मौका ले ली है अब जब निर्णय ले लेवे न बताओ तो भाई कि निषाद राज हिंग राज के नाम से जाना जी है ते खाली सिंह बेरापुर में निषाद राज जी पैदा हो सके रे साकी सरैया कमर खटा में क्या नहीं हो सकते है ना हाँ अरे तब सब सरल बाजा ने ये नहीं कौन है सब सरल बात कल महाराज तू कौन है जा का कोई था विवाह बोलो तो पूछी तो कहिला कि भवा का करबे शादी ते भल बा तीन ठे रानी भी बाइन है ने ऐसा ही आनंद ठीक ये सब सरल भाव के बनावे बदे कहा था कोनो प्रयोजन नहीं बस कहे कि आप लोग सरल भाव से अब मन के भेद के बुद्धि के द्वारा ओकर पूरा कैलकुलेशन जिके कहले हैं सब गणना करो तब नहीं बुद्धिया तब जाके चित्त में बैठोता ने अब जब चित्त में बैठी तब ने चरित्र में आई कितना ऑपरेशन करो तो है और कोनो अपरेनो नहीं पहने बाय न तो हाथे में करो कैची पूरी रखे बाय फिर भी ऑपरेशन होता ने समझो ना यह बा यह के कलन महानिधि सिद्धि बाई के ये के सिद्धि बाई जोन आप लोगों के मिलता ठीक बा भगवान का सेवा शंकर जी का सेवा करे तो कुछ मिले चाहिए ना तो कुछ क्या मिलना चाहिए जब पाला छुए के बाद पाला छू देगी और का अरे कबड्डी खेल ले ये पाला में आ गई ले फिर कबड्डी खेलो लेकिन अपने आप के बचा के अब जोन हो वो जाके चिपका की जरूरत हाँ बस छू के आवे के बहने छू का मतलब वही निष्काम उतना है ठीक ना हिंगराज भाई तब जो है तब मुनि सादर कहा बुझाई अचरित एक प्रभु देखिए जाई उसके बाद जब एकदम निर्भय हो गए तो विश्वामित्र मुनि आदर पूर्वक समझा कर कहते हैं श्री राम जी को कि कहते हैं प्रभु जब समझ गए कि वो नहीं बहन क
कहे चलकर एक चरित्र देखा जाए, एक चरित्र होने वाला है कहीं, उसे चलकर देखा जाए। तो चरित्र क्या बता रहे हैं कि धनुष जग सुनी रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनि बर के साथा। बताते हैं कि जनक जी के यहाँ धनुष यज्ञ है, तो स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चल देते। ठीक न, तब आज अहिल्या जी का उद्धारो हो जाए। ठीक न, हाँ, कहे थोड़ा थोड़ा समझवे तो देखा, जब पवित्र भाव रही तब आगे बात बढ़ी। तो आश्रम एक दीख मग माही, अखग मृग जीव जंतु तह नाही। रास्ते में एक आश्रम दिखाई दिया, वहां पशु पक्षी और कोई भी जीव जंतु नहीं था, कोई नहीं था। तो पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेखी। तो पत्थर की एक शिला को देखकर श्री राम जी पूछते हैं कि ये क्या है, जानो ताए जाने। हाँ, तब वो पूछो लेन, कहे कि बिना पूछे कोनो काम करे की जरूरत। तब यह मर्यादा, तब मुनि विस्तार पूर्वक कहते हैं, क्या कहते हैं कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धी, अचरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुबीर। कहते हैं विश्वामित्र जी कि प्रभु, गौतम मुनि की पत्नी गौतम ऋषि के ही श्राप से अहिल्या जी हैं, पत्थर की शरीर धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूली चाहती, और हे रघुवीर इन पर अब कृपा। ठीक ना, अब भाई जब गुरु जी कहता है तो करे की पड़ी, यह ने यह मर्यादा होला। जैसे राम, अब आप मान ले ले, राम जी भाई आपके मान लेन, श्री राम भैया राम जी भाई के मान लेन, देखो काम। तो जब कोई पूरा भाव से अगर मानी भाई तो कोई गलत रास्ता देव जीवे नहीं, तब अपने आप हुई कि नहीं भाई, फिर है ना। हाँ, एक तो भाई के खून का रिश्ता ऊपर से गलत किसी कर सकल है, बस ये है, बाकी भाव पक्का हुए के। जब गुरु जी के पक्का रही तब ना पक्का पक्का भाव बही संसार में। देखो कितना बड़ा जो है कि हो। तो पर सत पद पावन अशोक नशावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सनमुख होई कर जोरी रही। तो श्री रामचंद्र जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या के रूप में प्रकट। इतना ही बड़ा गहरी बात बा, हमें समझा के बाद बा, विराम देव तो बैठ के पर चर्चा। और कहते हैं भक्तों को सुख देने वाले श्री राम जी ही है।
अहंकारी की नहीं, देखो यह अहंकार कितना तगड़ा बहुत है भाव। तो भक्तों को सुख देने वाले श्री राम जी को देखकर वह हाथ जोड़ के मात्र खड़ी है, कुछ बोली या नहीं रहा। कहें कहें कि अति प्रेम अधीरा अपुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण लागी जुगल नयन जल धार बही। वह अत्यंत प्रेम के कारण अधीर हो गई है, नहीं अत्यंत प्रेम के कारण। अगर कोई के अधीर होवे, जैसे हुआ जो बताओ लेन रूप रस गंध स्पर्श और बाड़ी, अगर ये चारों के प्रति अगर आश्रित होवे तो विवेक उत्पन्न और सेवक भाव के रूप में रहवे, तब समझते हुए कि कुल खाली भगवान का लीला है, इनमें कोई कुछ होत आपन पराय का भेद न रहे। तो अत्यंत प्रेम के बस में होने के कारण माता अहिल्या जी अधीर हो गई और प्रभु के चरणों से लिपट गई और उनके दोनों नेत्रों से जल यानी प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने, ठीक ने। अति प्रेम अधीरा अपुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी अचरण लागी जुगल नयन जल धार बही। तब अब जो है प्रभु का स्पर्श जब हो गया तब उनको धीरज प्राप्त। अब देखा आप लोगों के धीरज धीरे धीरे बैठा था ना कि नहीं राम भाई, तो ये प्रभु का कृपा बने क्या को नहीं के कृपा से धीरज मिला। कहे कि एक वाला भाव कहीं बतले नहीं बा, देखो तो भाई खाई ठोगी भाव बा भाई। तो धीरज मन कीन्हा प्रभु कहूं चीन्हा रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई। तो फिर जब आंसू आंसू बहल तब धीरज आया तो मन में धीरज धारण करके प्रभु को पहचान गई और श्री राम जी की कृपा से उनकी भक्ति प्राप्त। समझ ले भाई, ये भक्ति बिना श्री राम जी के कृपा के मिले वाला माया प्रचंड बने। तब अत्यंत निर्मल वाणी से अहिल्या जी स्तुति प्रारंभ करती और कहती है कि हे ज्ञान से जानने योग्य श्री राम जी आपकी जय। तो ज्ञान हो ही तो ज्ञान से इतना पता चली को नहीं सत्य बहन बाकी कुनो सत्य यह न। और देखो सब कहला श्री राम नाम लेकिन जे मोर जलाऊ नहीं कहो जे जीते जीते उन्हें पकड़ ले तो सीधे पहुंची वहां। हाँ, लेकिन माया जीते जीते पकड़ा न दी तो रवि गुरु बहन ने पकड़ा दी है ना। इतने खाली कोरे के बाद राम जी भाई कि प्रभु आपस सत्य भाई शरीर आपके पास हम कुछ अलग से भाई
खाली अहम निकाले के बा। तो देखो अब आप लोग जो है तपा बा बड़े आराम से निकाल ले बे। तो कहा जो कि 12 जन्म लेवे की पड़ी भाई एकदम निकृष्ट बने कुछ पहले समझ में आ कि लेकिन कंफर्म नहीं हो रहा। चल तो देखो अब का कहता है आज वह कोनो मेहराऊ कहबे ने कि पंडित जी बताए कि नारी का शरीर अपवित्र होला तो लेके डंडा छोड़ दी है मैं नहीं। हाँ महाराज हाँ क्या है कि वही शरीर पर सब मरा बा तो कहिए हैं हम गंदा ही कहाँ बाप बबुआ लिया बा डंडा ध्यान दे। यहाँ माता अहिल्या जी का कहता है कि मैं नारी अपावन अप्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाही पाही सर नहीं आई। कहती है श्री राम जी आपकी जय हो प्रभु। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री देखो सत्य अपन स्वीकार करे में कितना सरलता और हे प्रभु आप जगत को पवित्र करने वाले भक्तों को सुख देने वाले और राक्षसों के राजा यानी रावण के शत्रु त्याग लाल न रही जब भक्तन के खून पी है ने बस पिए को उन्होंने का तरीका अलग बा तरीका लेकिन पियोता है ने पियोता है टिकटोर का टिकटोर पियोता है नहीं समझो कहे कि जब इतना सरल बात हो सकला और इतनो बात समझ में आवता कि ये कहीं आश्रम बना करके स्टेज बना के ये काम नहीं हो सकल ना हो नहीं कभी नहीं ध्यान दे नंबर से नहीं हो सकत। तो कहती है कि हे कमल नयन हे संसार यानी जन्म और मृत्यु जन्म और मृत्यु को सबके डर लगा बने कि मरबे तो कौन जन्म पीबे एकदम पड़ता है ने तो यहाँ जन्म आपका लेवे की बात जो सेवा करे करे उसके बाद में चलो अपने धाम की चलो जन्म लेवे और इच्छा रही तो जन्म ले बैठ तो निजी इच्छा का यान तो बन गई ले सन कितना सरल बा सरजू भाई सरल नहीं बा बहुत बन है तो कुछ नहीं यार रो वैसे ही लीला हुई कहे कि अब यहाँ से जौन चरित्र जाता अभी बात तो तुरंत फैल जाई कहीं तो कोई के कुछ गुनता नहीं बा तो भाई तब आवो सामने आवो सामने उम्मीद कौन बड़ी बात वो बोनो क्या उसमें 13 और 31 ड्रामा मचाए बे यहाँ एक ही जनों पवित्र प्रेम बा नहीं खाली पढ़ पढ़ के नौटंकी चल ठीक ना। तो कहती है कि आप जन्म मृत्यु के भय को छुड़ाने वाले तो देखो भाई जब व्यवस्था बा जोन समझौता है रिकॉर्डिंग प्रोग्राम में तो बताओ जन्म मृत्यु का डर कहाँ बा माने कि काफी कम तो हुई का बा बस इतने बा मन पवित्र करके कोई के एक गिलास पानी पिला दिले मुक्त बा लेकिन बिना मन पवित्र किए कितनों जनों करोड़ों यज्ञ कर ले आडंबर करो भंडारा चलाओ उससे मतलब ये ने। तो कहते हैं कि हे प्रभु अब मैं आपके शरण में हूँ मैं हूँ और मेरी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। तो प्रभु तो शरणागत भक्त वत्सल है ना तुझे शरण में आई ओकर रक्षा करवे नहीं कि हम कारी जिनके करवे। देखो अब यही तो खराब लगत हुई कि जब तक सतयुग का स्थापना न हुई जब तक लवकुश न तैयार हुई है तब तक दर्शन है ना। तो पहले तो खराब लगत थी बाद में वह बड़ा सुंदर लगे लगी। पहले अगर कोनो बाड़ी अगर नहीं अटपटा लगला कहे कि सब ऐसा सोचा था कि अरे वो कूला तो पापी बहन कैसे सुधरी सुधरी कहे न सुधरी बस राम खिलौन भाई के बस खड़ा हुआ के पा
ऐसे ही नुआओं में बात करत रहे, लेकिन अब बताओ तो इन्हें लोग सुन के समझ जा रहे, लेकिन सब डरा जा रहे हैं। काहे कि जितना लोग मिले उनमें कोई एक क्षत्रिय पुत्र नहीं मिला, ठीक न। और वो सरल बा, अरे एकदम सरल भाषा में नहीं बात हो सकत। देखो वह तो कहते इन माता हिल्या जी कि मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना, देखेऊ भरि लोचन हरि भव मोचन इहि लाभ शंकर जाना। ध्यान दीजिए कितनी बड़ी बात हो रही है। कहते मुनि जो गौतम ऋषि हमें साफ देन महाराज बहुत अच्छा ये ने, और मैं उसे अत्यंत अनुग्रह यानी कृपा मानती हूँ। वो श्राप नहीं था बल्कि क्या था, क्यों कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि यानी श्री राम जी को नेत्र भर करके देख गौतम मुनि के नहीं नसीब भयल मैं वो शरीर से तो नसीब नहीं भा मैं, लेकिन माता जी के नसीब ये ने। देखो तो वो श्राप श्राप नहीं बा, वो कृपा बा। ठीक तो धीरे धीरे ही वो अवस्था में आई, दर्शन हुई तो कृपा में आई ने। बात बड़ा लंबा बा, और अब धीरे धीरे सब समझा था जिनका लीला नहीं जाने। अब हमें सरजू भाई का भी सहयोग मिल गया, ठीक समझा था ना बात की। तो कहती हैं कि बिनती प्रभु मोरी अमै मति भोरी नाथ न मांगौ बरे आना, पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। कहती हैं के प्रभु आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ मानते। अब वह लाभ मिल गया जिसको शंकर जी सबसे बड़ा मानते, बतावे यह तो बाकी ना पावे के बाद कुछ पावे की इच्छा, और संसार में जितना पैबा उतना लालच, तो केकर बुद्धि स्थिर होई जे ना पा जाई वह ना स्थिर होई भाई। इंगराज भाई देखो तो कहती हैं कि हे प्रभु मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, है ना, मेरी एक विनती है हे नाथ, मैं कोई और वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल के धूल की प्रेम रूपी रस का सदा पान करता। ते वही धूल के काबा सेवक भाव, तो जब सेवक भाव में अगर खटपट बा तो मामला ठीक बा, तो कुल सेवा करो लेकिन यही भाव के पछा अहम कहीं से आवे, ठीक ना भाई, शरीर बा सेवा होता सरल भाव, ठीक ना। देखिए यही सबसे सुंदर वरदान। तो जेही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीश धरी, असोई पद पंकज जेही पूजत अज मम सिर धरे ऊ कृपाल हरी। तो यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी,
तो जो अति मन भावा सोबरु पावा गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देवताओं की नदी गंगा जी प्रकट हुई है, जिनको भगवान भोलेनाथ अपने सर पे धारण किए, तो गंगा जी वास्तव में श्री राम जी के चरण नख से उत्पन्न हुई, और जिनको भगवान भोलेनाथ अपने सर पे स्थान देते, ठीक ने, वह शिव गुरु। तो भगवान के भक्ति के धारण करवे ने तब न शिव सेवक हुआ है। अब गंगा जी के तो नहीं धारण कर सकते, लेकिन भगवान के भक्ति ही गंगा का धारा, यह ने राम भगति जह सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार, ब्रह्म विचार का प्रचार करे के यही सरस्वती है। और हरि निषेध मय कलिमल हरनी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यह जो भाव उत्पन्न कराया जा रहा है यही यमुना जी है। संगम बना करके सेवा करिए मस्त। तो संत के अंदर अगर ये तीन चीज नहीं है तो उसके किसी भाव का कोई मतलब मैं, जब ब्रह्म विचार का प्रचार करेंगे बाद तो मैं आलू परी घास ली बे, ठीक ने। तो कहती हैं कि जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, जो सृष्टि उत्पन्न करे हो वही चरण कमल का पूजा, शिव अज पूज चरण रघुराई, शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा ये चरण पूजे जाते नहीं। देखे माता भवानी नहीं आके पैर पड़ ली नाराज जी के, हाँ तो भगवान के सेवकन से बढ़ के इनके बदे कोई, हाँ तेरे 31 रखो 32 33 करो अपने जगह, यहाँ करे के जरूरत, हाँ सेवक है तो काजे से आवा अहंकार त्याग की का बात कर रहे सरजू भाई। देखो थोड़ा ऐसे बड़ा बढ़ के पूछना चाहते हैं तो इस मनवा बैठ गए बोला अब तब सब ठंडा हो गए ने क्या करवा, तो ही ने कहा कि महाराज आपके लीला परम पार बा अपरम पार हुआ चाहिए ने के पार लगाई, अगर पार लगा दें तो अपरम पार कहाँ फल, आप है तो पानी की मर्यादा बाबा अलग से कौन बात हुआ, यह तो बात बा भक्तन के कोनो बाड़ी कटे के पकड़ा। और कहते हैं कि हे कृपालु हरि श्री राम जी, आपने उन्हीं को जो चरण ब्रह्मा जी और शिव जी पूछते हैं उन्हीं चरणों को मेरे सिर पर रखा है, कितनी बड़ी कृपा बा, ठीक ने। अब कहते हैं इस प्रकार स्तुति करती हुई, जैसे दुखरन भाई जाने वाले हैं इसी प्रकार से स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर, जो मन को बहुत ही अच्छा लगा उस वर को पाकर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जी आनंद में भरी हुई पति लोक को चली। बस यह बाबा कि प्रवेश नगर की जय सब काजा और हृदय राखी कोसलपुर, जहां इन्हें रख ले वहां मुक्त, निजी कोनो कामना रखे की जरूरत नहीं। बस तो रुक जा, यह न तो अस प्रभु दीन बांधु हरि अकारण रहित दयाल, अतुलसी दास सठ ते ही भजू छाड़ी कपट जंजाल। कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीनों के बंधु हैं
जो बिना ही कारण दया करने वाले, बिना कारण, एक तरफ सबके कारण भी बाएं और दया भी करल तो बिना। और तुलसीदास जी कहते हैं कि रे सठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का निष्काम भजन। तो निष्काम भजन करती है बात पहले साधो घरवा में, इनमें कोनो लालच ये ने ते। अब यहाँ इल्या जी के बात, वो कहाँ गई पतिलो, और यही समझ लीजिए कि यह जो जीव आया था इस शरीर में वह भी परम धाम को जा चुका है, वह भी परम धाम को जा चुका है। और जो माता भुवनेश्वरी की आत्मा है, ठीक ना, आत्मा, वह आत्मा यहाँ पर है, और आत्मा मने वही उन्हें कर राम जी, तो सीता जी बनो तो दर्शन हुई। अब कैसे पता चले कि सीता जी बन गई लू, जब लड़का लवकुश हुई, ठीक न। और आज देखा जो राम जी जो कृपा करके जैसा करता है, देखो वो कार्य यहाँ से होते बा, यह बा आत्मा आनंद भाई, यानी जेके आनंद मिला रही वो है वो दे ने जिक्री क्या रही बतावे तनको भार भाई है। तो इसी बाणी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, और दुखरन भाई सहित सभी भक्तों की जय। हर हर महादेव, हरि ओ हरि ओ। दुखरन भाई ले एकदम जाने भगवान के भक्ति मन में रखो, बाकी कुछ संसार में बाय नहीं भाई। और जैसा नहीं फूल बने, यही फूल की तरह एकदम पवित्र बन जाए भाई, ये ने अरे बस ये बात कल्याण हो। जय श्री राम, जय श्री राम।